हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज ओलबर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जैव प्रक्रम हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका पहला वीडियो हो चुका है, जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों पहला वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन बताया गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है जैव प्रक्रम में। ठीक है, अभी भी स्टार्ट हुआ है, बस वो मैंने 5 मिनट 9 मिनट या 10 मिनट का वीडियो होगा, तो जाके उसे देख लीजिए। ज़्यादा कुछ अभी नहीं मैंने कराया है, आपका ज़्यादा छूटेगा नहीं, तो एक बार उसे देख लीजिए फिर इसको देखिएगा। इससे पहले एक बात, मैं और इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊँ, अगर आपने अभी तक सोशल साइंस का नोट्स नहीं लिया, मैंने पूरा नोट्स गाइस बना लिया है, तो वो जरूर ले लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। वो जस्ट आपको बस 150 रुपये में गाइस आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, अब लेना कैसे है, आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट किया, 7857 84 68 89, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे लेना है। ठीक है, तो बहुत गाइस अगर वो ले लेते हैं आपके लिए बहुत एग्जाम में फायदा होना। ठीक है, मैंने आप सभी के लिए बनाया, आप सबने कहा था ठीक है तब मैं बनाया था। ठीक है, बहुत सारे लोग ले चुके हैं, आप भी ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने कल जैव प्रक्रम में पढ़ा था, जैव प्रक्रम में क्या क्या पढ़ना, जैव प्रक्रम क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। उसका जो अगला टॉपिक वो पोषण आता है, इसे हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। वैसा पदार्थ जिसे सेवन करने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है। आप इसका डेफिनेशन कई तरीके से दे सकते हैं, इसका डेफिनेशन कोई फिक्स नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसका दे सकते हैं। पोषण मतलब क्या हुआ यार, प्रोटीन खाएंगे, विटामिन खाएंगे, ताकत वाला चीज़ खाएंगे, यही तो हुआ पोषण। मतलब पोषण नहीं कहता, उसका पोषण सही से नहीं हो पा रहा, मतलब पौष्टिक आहार उसको सही से नहीं मिल पा रहा। तो पोषण पोषण ये नहीं हुआ कि चावल दाल खा ली ये पोषण है, ऐसे इसे पोषण नहीं कहेंगे। पोषण अगर कहा जाए तो वो प्रोटीन वगैरह, विटामिन वगैरह जो बच्चे लेते हैं, या आप सब जो पढ़ने लिखने वाले छात्र, उससे हम सब हो गए, आप सब हो गए, लेते हैं कॉम्प्लेन वगैरह, बॉर्नविटा, ये सब क्या प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, प्रोटीन्स विटामिन ये सब आपके पौष्टिक आहार में आता है। ठीक है, तो उसे दाल भात जो कहा तो उसको पोषण जरूर कहेंगे, लेकिन फिर उसमें ज़्यादा उतना पोषण नहीं होता है जितना प्रोटीन्स में होता है। ठीक है, तो पोषण मतलब वही हुआ जिसे खाने के बाद आपके शरीर में पूरा एनर्जी एकदम, जिससे आप चल फिर सके, एकदम ताकत वगैरह पूरा हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, अब जब पोषण जान ले तो पोषण का प्रकार भी होगा, है भाई। तो पोषण का प्रकार हम जान लेते हैं ईजिली तरीके से। ठीक है, पोषण आप कितने प्रकार का, इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, पोषण के आप प्रकार देख लीजिए, पोषण कितने कितने प्रकार को, तो ये मैंने लिख दिया आपको अच्छे तरीके से, अभी समझा के रहूँगा वीडियो में दोस्तों, पूरा बने ऐसा पढ़ा दूंगा। आप क्लास 10th एग्जाम 2022 में 450 नहीं लाए तो फिर करना। ठीक है, थोड़ा दोस्तों फेस वाला वीडियो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, एक दो दिन में वही मैं बना लूँगा। ठीक है, तो पोषण आपका दो प्रकार का, एक होता है स्वपोषी, एक होता है आपका परपोषी। स्वपोषी इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, और परपोषी बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, तो पोषण आपका दो प्रकार का, स्वपोषी और परपोषी। अब दोस्तों हम जानेंगे पोषण का दो प्रकार, स्वपोषी और परपोषी है, तो आखिर स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है, हमें तो ये जानना जरूरी है ना। ऐसे थोड़ी होगा पोषण दो प्रकार का होता है, बस ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएगा। क्वेश्चन आपका आएगा कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, पोषण का पूरा परिभाषा दे, पोषण का पूरा वर्णन करें। तो पोषण पहले लिख दीजिए, स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, फिर लिखेगा स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है, ऐसे करना है। तो चलो जान लेते हैं स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने स्वपोषी का डेफिनेशन लिख लेते हैं और जानते हैं इसको स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी सबसे पहले देखिए, इसका अर्थ में स्व, स्व मतलब क्या होता है, खुद, स्व मतलब क्या होता है, खुद, और पोषी मतलब पोषण, यानी कि जो अपने आप पर निर्भर होकर पोषण करे। इसका डेफिनेशन भी आप खुद से दे सकते हैं, इसका भी कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। जरूरी नहीं कि जो डेफिनेशन मैंने एग्जाम में ये लिख के दिया है आप ये एग्जाम में लिखा, ऐसा नहीं। मैं आपको बोलता हूँ 4-5 डेफिनेशन का। स्वपोषी मतलब जो अपने आप पर, मतलब कि वो किसी पर निर्भर नहीं, कहता है कि हम तौर पर निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है ना, उसको कहते हैं स्वपोषी। अपना भोजन खुद बनाएगा, उस मतलब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। जैसे हरा पेड़ पौधा हो गया, हरा पेड़ पौधा क्या करता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता, वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में खुद ही अपना भोजन क्लोरोफिल की उपस्थिति में बना लेता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बना लेता है। ठीक है, तो हरा पौधा क्या आ गया, ये स्वपोषी हो गया। बस ज़्यादा कुछ स्वपोषी है नहीं, बस स्वपोषी के बारे में आपको इतना ही जानना है कि जो अपने आप पर निर्भर, किसी पर निर्भर नहीं करेगा, तू खा लेगा तभी हम खाएंगे, इससे भूखे रह जाएंगे, इसको ऐसा मतलब नहीं। हरा पौधा खुद से अपना भोजन बना लेता है। तो गाइस, ये टॉपिक आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। तो स्वपोषी समझ लिया आप, इसको ऑटोट्रॉफिक इंग्लिश में बोलते, देखो स्व मतलब खुद, बस इतना समझ लो, डिफरेंस आराम से याद होगा। अब देख लेते हैं परपोषी। तो दोस्तों, परपोषी का जो डेफिनेशन होता है वो भी हमने लिख दिया, देख सकते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होकर अपना पोषण करे। सिंपल सी बात है यार, पर मतलब दिख रहा, पर मतलब दूसरे पर निर्भर, पर निर्भर, पर निर्भर यानी कि दूसरे पर निर्भर, दूसरे पर निर्भर होकर अपना पोषण करे, उससे परपोषी कहते हैं। अब बोले सर, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अरे हम खुद हो सकते हैं एग्जाम्पल, हम भी क्या परपोषी हैं, गाय गाय भैंस बकरी वगैरह सब क्या है, परपोषी है। तो ये सब क्या, दूसरों पर निर्भरता, हम मनुष्य क्या करते हैं, दूसरों पर, हम मनुष्य खाना थोड़े खुद बनाते हैं। अब देखो, अपना अपना खुद बना लिए भोजन, तो उसका मतलब थोड़ी हुआ अपना, आखिर वो भी तो कहीं किसी जो पेड़ पौधा जिससे आप दाल खाते, दाल आप कहीं उगा होगा, तो दाल भी क्या, आप उसको उखाड़ लाए, यानी कि दाल के सारे हुए आप,
तो हुआ ना, ये आप बोलेगा कि हम तो सर अपने से खाना बना लेते, इसका मतलब थोड़ी हुआ। अरे तो तुम तो दाल से चावल बना रहे, तो चावल भी कहीं मैन्युफैक्चर हुआगा, तो तुम तो चावल पर निर्भर रहा है कि नहीं। अपना भोजन तुम कहाँ खुद बना रहा है, खुद से कोई उपाय कर रहा है? तुम चावल को खरीद लाया तो वैसे लेकर आया, अपना भोजन तुम खुद से नहीं बनाया, तो काफ़ी को डाउट रहता है, तो डाउट खत्म हो गया। ठीक है, तो परपोषी का मतलब क्या, जो दूसरों पर निर्भर कर अपना पोषण कर। तो गाय भैंस बकरी खुद हम सब खुद हो गए, ठीक है ना, ये सब क्या परपोषी में आता है। अब गाय सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आता है, परपोषी का प्रकार आता है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो में बने रही है। तो गाइस हमने परपोषी का जो प्रकार होता है वो भी हमने लिख दिया। अब दोस्तों इसको देखने के बाद हम लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है, इसको देख लीजिए फिर हम लेक्चर को खत्म कर देंगे। देखिए परपोषी का जो प्रकार होता है वो भी परपोषी तीन प्रकार का होता है, देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक होता है मृत जीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण, एक होता है परावणी संपोषण। ठीक है, परावणी संपोषण को पूर्ण जैवीय पोषण भी कहते हैं, इसको लिख सकते हैं पूर्ण जैवीय पोषण। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको पूर्ण जैवीय पोषण मिल सकता है, तो उसे आप लिख सकते हैं पूर्ण जैवीय पोषण। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, ये सब परपोषी के प्रकार है। अब ये भी जानना जरूरी है भाई कि मृतजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है, प्राणी क्या होता है, ऐसे थोड़ी खाली परजीवी बोल पूछ जाएगा परजीवी कितने प्रकार होता है, तीन प्रकार का मृतजीवी, परजीवी, प्राणी, ऐसे हो गया। इतना नॉलेज नहीं रखना है, हमें ये भी रखना है कि ये क्या होता है वाजिब में, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो जानते हैं मृतजीवी पोषण। देखो इसके नाम से ही लग रहा है मृतजीवी, क्या इसके नाम से ही लग रहा है मृतजीवी पोषण। देखो मृतजीवी पोषण का साफ साफ मतलब है, पूछेगा मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो कि सरे गले पदार्थों पर निर्भर, जो कि सरे गले कचरे से अपना पोषण प्राप्त करे, अपना पोषण प्राप्त करे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दोस्तों हम मृतजीवी पोषण। अब बोले कौन कौन आएगा, इसमें आएगा कवक आता, क्या आएगा कवक, कवक प्रजाति के जितने भी प्राणी हैं वो सभी मृतजीवी पोषण होते हैं, क्या होते हैं मृतजीवी पोषण करते हैं, वो सब क्या करते हैं मृतजीवी पोषण। कवक कवक प्रजाति के जितने, व्हिटेकर ने पांच भागों में बांटा था ना, प्रोटिस्टा, मोनरा, कवक, प्रोंटी और एनिमिलिया, ऐसे बांटा था। तो कवक प्रजाति के जितने भी प्राणी हैं वो सभी क्या मृतजीवी पोषण है, वो सरे गले पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, तो वो सब सरे गले पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, तो वो सब कवक प्रजाति के कारण तो कौन हो गए मृतजीवी पोषण। ठीक है, अब देखते हैं परजीवी पोषण, नाम से आगे पर मतलब दूसरों पर निर्भर, वही मैंने आपको बताया था विश्वपोषी परपोषी, तो परजीवी मतलब दूसरों पर निर्भर है, तो कौन कौन इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर गाइस हो जाएगा जैसे आपका हो गया अमरबेल हो गया, जोंक हो गया, जोंक जो पेट में रहता है, अमरबेल जोंक, अमरबेल क्या करता है ये भी परजीवी पोषण, और जोंक क्या करता है ये भी परजीवी पोषण, मतलब कि आपका जोंक सब क्या रहता है पेट में रहता है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या होगा परजीवी पोषण हो गया। ठीक है, तो परजीवी आपने अच्छे तरीके से जान लिया, परजीवी बस कुछ नहीं है, इसका डिफरेंस वही जो दूसरों पर निर्भर है, जो परपोषी का डिफरेंस है ना वही परजीवी का डिफरेंस है ना। ठीक है, जो दूसरों पर निर्भर है कि अपना पोषण प्राप्त उसे परजीवी से अमरबेल जो, ये दो उदाहरण आप याद रख लीजिए, ये दो उदाहरण आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आता है आपका प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण जैसे आपको नाम से पता चला, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण का मतलब होता है पाचन, पूर्ण तरह से पाचन, पूर्ण तरह से पाचन करना, मतलब प्राणी संपोषण का जो मतलब होता है वो कदम वैसा पोषण जिसका पूर्ण तरह से पाचन हो जाए, जिसका वैसा पोषण जिसका पूर्ण तरह से पाचन हो जाए उसे कहेंगे प्राणी संपोषण। अब जिसमें कौन कौन सा आता है, मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य क्या करता है प्राणी संपोषण में आता है, मनुष्य क्या होता है प्राणी संपोषण में आता है। मनुष्य दोस्तों जो मानव जाति आपका ये पूरा भोजन क्या करता है पूरा पाचन कर लेता, अमीबा हो गया, मनुष्य, अमीबा, ये सब क्या हो गया आपके प्राणी संपोषण में आते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, परपोषी के प्रकार देखे, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, कल जो दोस्तों हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे पौधों में पोषण, क्या पढ़ेंगे पौधों में पोषण, कल पढ़ेंगे पौधों में पोषण। ठीक है, तो एक बार इसके रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण में कौन कवक आएगा, परजीवी में अमरबेल जो आएगा, प्राणी में मनुष्य अमीबा वगैरह आता है। ठीक है, मनुष्य क्या करते हैं पूरा खाना पचाते हैं, अगर पूरा खाना नहीं पचाएंगे दिन में चार बार लेटरिंगे दौड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य क्या होता है प्राणी संपोषण होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो गाइस आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में दोस्तों हम पौधों में पोषण होता है उसको देखें। ठीक है, तो हम ट्रैपआउट करने का ठीक करूंगा ताकि आपको बोर्ड पर क्लास मिले। ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत कीजिए, कोई बात नहीं, आपको अच्छे समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, कमेंट में जरूर बता देना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और नोट्स जिसने नहीं लिया वो तो लेना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।